एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि नेशनल असेंबली के इलेक्शंस की बाजगश्त हम सुन रहे हैं, हर कोई कह रहा है मैंने सुना 3 माह बाद है, मैंने सुना 3 माह बाद है, किसने सुना नहीं पता, कि आपने भी यही सुना? देखिए, नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो या नहीं हो, आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने अभी सिंध के बल्दियाती इलेक्शन है, उसके अंदर जिस तरीके से धांधली हुई है, जिस तरीके से लाया गया है, उनको मुसल्लत किया गया है, और फिर आगे से वो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, हमें जो है हम जीत कर मैंडेट लेकर आ गया है। तो हमें आम आवाम को इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आम आवाम को जो है वो रिलीफ चाहिए सिर्फ। मुझे बताएं आपका वोट किसका? 43 इयर्स के अंदर मैं पहली दफ़ा वोट डालने के लिए गया, तो मेरे पास जब मैंने अपना वोट डाल के मैंने नंबर डाला है, तो उसके अंदर 43 इयर्स के अंदर मुझे ये कहा जा रहा है कि सर आपको हक के राय दही दिया जा रहा है, अभी आप इस पोजीशन पर नहीं है। अच्छा, पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी, किसका? पीटीआई। पीटीआई तो मुझे ये बताएं ना, आप देखें, आप कह रहे हैं नेशनल असेंबली के इलेक्शन से आम आदमी को कोई सरोकार नहीं, बुनियादी तौर पर नहीं, क्योंकि वो तो रिलीफ चाहता है, लेकिन अगर आपकी मुंतखब और पसंदीदा जमात विफाक में नहीं बैठी तो आपको दुख तो होगा। देखिए, दुख ज़रूर होता है, जाहिर सी बात है, उनकी कुछ पॉलिसीज थी, उनके कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से मुल्क जो था वो एक सही रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन लोगों ने फिर जो है वो नेगेटिविटी बचा के जो है वो उसका सत्यानाश कर दिया है। कि क्या 3 माह वाला जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, हवा भी चल रही है ऐसी, वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ये जो कहते हैं अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? नहीं जी, होने चाहिए इलेक्शन, होने चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त जो है वो बहुत नाजुक पोजिशन के ऊपर है, और इलेक्शन ही वाहिद हल है, और इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो फिर मुल्क जो है वो और ख़तरनाक सूरत हाल में चला जाएगा। लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसका मैंडेट हो उसको दिया जाए, और जो है वो इलेक्शन होने चाहिए मुल्क के अंदर। अच्छा, आप चूंकि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए करख सवाल है। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब जो है मुफाहमत से चल रहे थे, जब उन्होंने इलेक्शन ख़त्म हुए उनका दौरानिया, तो उन्होंने बड़े सारे लोगों के नाम रिवील किए कि ये हमारे साथ ऐसे करते रहे, या हमारे साथ बैठ के खाते थे और हमारे सीक्रेट रिवील करते रहे। अब इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा होशियारी से नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है यही लोग होते हैं जिनके साथ बैठ के चलना भी होता है, और इन्हीं लोगों से बचना भी है। देखिए, हमने जहांगीर तरीन जैसे लोग, और हमने जो है आपके दूसरे जो आपके लोग हैं अलीम खान जैसे लोगों को हमने देखा, लेकिन इस वक्त जो है वो इमरान खान ने उनको बिल्कुल खैरबाद कह दिया है। इसके बगैर भी चल रही है पीटीआई? जी, उनके बगैर भी बिल्कुल चल रही है, आपके सामने उनके बगैर भी चल रही है पीटीआई, और आगे भी चलती रहेगी, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इमरान खान के साथ जिसने वफा करी तो इमरान खान ने उसके साथ वफा करी। तो आप ये कहते हैं आंखों में आंखें डाल के इमरान खान साहब अपना दौरानिया पूरा करें? हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह।